पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूँ जो कि आप जो इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अवार्ड कोई भी पुरस्कार मिलता है तो जिसको मिलता है उसका तो सम्मान होता है, परंतु मीडिया लोगों तक पहुंचाती है इसीलिए उसका सम्मान होते रहता है। इस फाउंडेशन पे जो उन्होंने आज लोगों को सम्मान दिया है उनको भी धन्यवाद, फाउंडेशन को धन्यवाद, और आप मीडिया कर्मी ऐसे ही हमारे आवाज़ को हमारे लोगों तक भारतीयों तक पहुंचाते रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत काल है, इसमें सभी को देश के लिए कुछ योगदान देना चाहिए। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए, उसी चीज़ पर हम काम करते हुए, हमने 75 ईयर 75 प्रिंसिपल्स और 75 अवार्ड इसका थीम दिया, और मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि किसान को अवार्ड प्रिंसिपल्स को अवार्ड मिलती है, बड़े बड़े लोगों को अवार्ड्स मिलती है, पर मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ इसी मीडिया चैनल के माध्यम से कि IDYM फाउंडेशन, इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन, जो 195 कंट्रीज में काम करती है, महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में आने वाले दिनों में लाल बहादुर शास्त्री कृषि भूषण सम्मान 75 किसानों को देने जा रही है, जो कि अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस प्रोग्राम में आएं और उसको सफल बनाएं। सभी अवार्डीज को चुनने के लिए हमारे पास एक स्क्रीनिंग टीम होती है, क्योंकि हमारी फाउंडेशन काफ़ी बड़ी है तो उसमें काफ़ी सारे IITN से इसरो के लोग हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो हमारी एक कोर कमेटी टीम होती है। वो कोर कमेटी टीम हम गूगल फॉर्म से रिस्पॉन्स लेते हैं, रिस्पॉन्स में अभी समझो कि प्रिंसिपल्स जो अवार्ड हुए उसमें 1784 लोगों ने फिलअप किया, उसमें से हमने सेलेक्ट किया 101 लोगों को। एक्चुअली आवर प्लान वॉज टू गो फॉर 75, बट वी गॉट सम रिक्वेस्टेड बाई सो मेनी पीपल, सो मेड इट टू 101। वो था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा सर्वोच्च सम्मान। उसके बाद जो हमने सेकेंड अवार्ड जो रखा था भारतीय शिक्षा पद्म विभूषण सम्मान, जिसमें हमने भी अप्लीकेशंस मंगवाए, काफ़ी सारे लोगों ने उसको फॉर्म भरा, और उसमें से हमने इंडिया के टॉप 58 लोगों को सेलेक्ट किया, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स भी हैं और कई सारे प्रिंसिपल्स भी हैं और कई सारे चेंज मेकर्स भी हैं। साथ ही साथ हम इस सभी के साथ, आप सभी जानते हो कि देश का भविष्य किस पर डिपेंड करता, बच्चों के ऊपर। अगर हम सबको सम्मानित करें और बच्चों को छोड़ दें तो देश का भविष्य फिर आगे बढ़ नहीं सकता है। इसी वजह से हमने लियो ग्रुप ऑफ स्कूल्स, महाराष्ट्र की एक स्कूल है जहाँ के बच्चे यहाँ पर आए थे और उन्होंने डांस परफॉर्मेंस किया था, उन सभी के लिए हमने नेशनल चिल्ड्रन एक्सेलेंस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया, और आने वाले दिनों में इन सभी बच्चों को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की इस स्पेस एजेंसी है और दुनिया में अपना दिन प्रतिदिन नाम रोशन कर रही है, वहाँ पर इन बच्चों को भेजा जाएगा और उन्हें लाइव लॉन्चिंग, एक आदमी का सपना होता है कि मैं रॉकेट को लाइव लॉन्च होते हुए देखूं, वो लाइव लॉन्चिंग के लिए उन्हें भेजा जाएगा एंड डेफिनेटली दे विल गो देयर। इसके अलावा सर हम स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जहाँ पर बच्चों को फ्री में सैटेलाइट और रॉकेट बनाना सिखाया जाता है, उसके साथ रोबोटिक्स, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारी टीम काम करती है। हमारी स्पेस लैब भी छत्तीसगढ़ में है जो कि रत्नेश जी और मानवी जी चलाती हैं, और हमारी स्पेस स्कूल भी आने वाली है अभी यहाँ पर बिहार में, जिसमें और मैं खुद ही मेरी माँ का एक सपना था कि बेटा जब तुम बड़े होगे तो गरीबों के लिए कुछ काम करना। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा पैसा अर्न करना तो लोगों के लिए कुछ डोनेट करना, तो एक इनिशिएटिव लिया, सबका साथ मिला, और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को प्रोमिस करता हूँ कि हमने मुंबई से शुरुआत की है पर भारत के हर कोने में हम प्रोग्राम करेंगे, प्रिंसिपल को सम्मानित करेंगे। ओनली नॉट इन इंडिया, आप देखो यहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट भी आए हुए हैं, बाहर कंट्री से, इक्वाडोर से, अमेरिका से आए हुए हैं, तो आने वाले दिनों में हम इंटरनेशनल लेवल पर भी IDYM के प्रोग्राम्स करने वाले हैं और उसमें काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जाएगा। या आई जस्ट वॉन्ट टू गिव वन मैसेज टू एवरीवन, मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, पैसे कमाओ, काम करो, अच्छे काम करो, बट मेरा रिक्वेस्ट पूरे भारतीयों से है, भारत के बाहर जो भी हमारे भारतीय उनसे भी है, सबके दिमाग में एक चीज। क्या कहना चाहेंगे मैम आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यस, थैंक यू। हाय, आई एम एलिजाबेथ डिसलेस फ्रॉम मेक्सिको एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी टुडे विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड कम टू शेयर ऑन दिस प्रोजेक्ट
I am very happy, I'm very grateful, and we continue working for all the new generation, for all the students, and for the education. Thank you for this, and thank you for all. Thank you. Dr. Sumaya Reshma, and I'm huge happy because I am honored with this Dr. Abdul Kalam Bharatiya Siksha Padma Bhushan Puraskar 2023. Actually on social responsibility and humanitarian work, and I'm so happy because I'm surrounded with so many intellectual visionary people, and education is something we can afford, at least for the poor kids, because poverty is cannot deprive from their education. Education is not only supporting the life, it is something which we can it's the cheapest defense our country can have, as Ravi says, nation first. I am thankful to IDOM, and thank you so much. This is increasing my responsibility more. Thank you. Thank you. All thanks aap sabko aur IDMI ko. Ye basic, ye mere liye to itna class venue hai, kyunki meri journey yahan se start hui thi. Yahan ke koi bhi classroom ya koi bhi hall aisa nahi hai jisme meri speech nahi hui hai. Aur end mein jo mission pe hum education field pe hai, बच्चों की लाइफ को चेंज करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, और एंड में यही कहना चाहूँगा मेरी कंपनी की ओर से, लाइफ पाथ एकेडमी की ओर से, कि अगर खुशियों की कोई दुकान है जिसकी हमें पहचान है, इतनी खुशियाँ भर देंगे उनके जीवन में, भले उसकी कीमत हमारी जान है. थैंक यू. इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिन्होंने, इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि दिस अवार्ड्स एक्चुअली एजुकेशन फील्ड के लोगों के लिए है. एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ कॉलिंग टू नर्चर द माइंड्स, यंग माइंड्स एंड हार्ट्स. सो हियर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड टेक केयर ऑफ दैट, कि वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स एंड यंग माइंड्स. सो वी हैव टू नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ स्टूडेंट्स, but as well as increase the resilience of the students. So this awards definitely will boost my energy to do these things. So thank you. Rita McKinley from Surapur. I would like all the time to teach and to learn everything that is good for our children. Those are the pillars of our nation. मैंने बच्चों को 40 साल से पढ़ाया है, अपनी अध्यापिका थी तब, और बाद में भी रिटायरमेंट के बाद भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि जो सिर्फ स्कॉलर बन के कुछ बनना नहीं चाहते, जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि वो भी अपने अपने परिवार का भविष्य है, देश का भविष्य है. और शिक्षा ही ज़रूरी है कि जो हमारे देश की तरक्की कर सकती है, और शिक्षित लोग की सोच हमारे देश की नैया को पार लगा सकती है. थैंक यू IDM फॉर गिविंग मी द अवार्ड एज अ नेशनल आर्ट फॉर बीइंग. एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जस्ट फॉलो योर पैशन एंड कनेक्ट टू योर सोल, एंड दिस इज द थिंग विच वी गेट व्हेन वी कनेक्ट विद अ सोल एंड विद अ पैशन. थैंक यू सो मच. ये देखिए IDYM की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये अवार्ड शो, और मैं यहाँ पे बहुत ही अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ, और यहाँ पे जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने कि देश के लिए काम किया है, उनके लिए जो है अवार्ड शो किया जा रहा है, बिकॉज ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और ये अभी ये पहली शुरुआत है अवार्ड शो की. और ये जो अवार्ड शो में जितने भी प्रिंसिपल प्रेरित हो रहे हैं IDYM के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि IDYM का प्लेटफॉर्म 195 कंट्रीज़ में है, और यहाँ पे टोटल जितने भी जो हैं प्रिंसिपल्स और एजुकेटर्स सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है. और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज 200 लोग जो है 200 प्रिंसिपल, ये जगह कम पड़ जा रही है, यहाँ पे आकर के हम ये अवार्ड शो का वो कर रहे हैं, और ये इसमें एक स्वागत वाली भी बात है, देश के गर्व की बात है, क्योंकि हम बात करते हैं IDYM से नेशन फर्स्ट, जो प्रधानमंत्री साहब हमारी बात करते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, उस पर ये काम हो रहा है. थैंक यू. लाइक टू थैंक IDYM फॉर रिकग्नाइजिंग मी विद दिस अवार्ड.
और मैं चाहती हूँ कि ये रिकॉग्निशन हर जगह हो, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि हमने देश के प्रति, अपने देश के बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. सो आई वुड लाइक टू थैंक IDYM फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश देम अ ब्राइट फ्यूचर एंड सक्सेस. I am the principal for the BGS NPS School Bengaluru, and this is a very prestigious award for me, and I hope this is giving us a responsibility to take ahead the task that the education, this Ignite IDYMA has given us. So I am happy and I will see that how we are going to take the things ahead. Thank you so much for bestowing this award on me. Thank you so much. Yes. Hello everybody, I'm Dr. Jaime Sundarkar. I feel greatly proud to receive this Bharatiya Shiksha Padma Bhushan Award. I did. On behalf of Oakley International School, as the principal of that school, I'm here to say that a big thank you to IDYM team for igniting every principal's life through such innovative awards. We believe that we are going to create intelligent, innovative, communicative, collaborative, critical thinking, problem-solving, learners in future, values and culture. Thanks once again to Abdul Kalam ji and the Narendra Modi ji government for recognizing our values. Jai Hind. Thank you. इस अवार्ड से नवाजा, बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे परिवार की शुरुआत जो है माँ बाप से होती है. माँ बाप का रिश्ता बहुत गहरा असर डालता है किसी बच्चे की ज़िंदगी में. तो अगर माँ बाप का रिलेशन बहुत अच्छा है तो वो अपने बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं. तो इसलिए एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए आपको किसी मेंटल हेल्थ या कोच या किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर अपना रिलेशनशिप बेटर करना हो तो प्लीज़ डू इट. और हम जैसे कोच या कंसल्टेंट आपकी हेल्प लिए हमेशा तैयार हैं. थैंक यू सो मच. Pursuing medicine as of now. Okay. मैं महेंद्र महानगर पालिका में एज अ टीचर काम करती हूँ. वहाँ आदिवासी और गरीब बच्चों की सेवा के लिए और ये IDYM ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था टीचरों के लिए, सोशल वर्कर के लिए. तो थैंक यू सो मच IDYM जो हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें इससे नवाजा. थैंक यू. थैंक यू. ऐसा है ये बिल्डर जितना भी बोला है सब झूठ बात है. इसको कुछ मालूम ही नहीं कि हम चाल में क्या काम हुआ है और क्या किया है. इसका बेटा था वही चूतिया बनाता था, जब देखो तब उन सीधा बोलता था. अब आज मीटिंग करेगा तो बोलेगा ये कब तक मैं बताता हूँ, 6 महीना लगातार बताता नहीं है. तो अभी क्या बताऊँ, रात को हमको धमकी आया कि जो बैठा था ना बोरा, रात को 12 बजे आपको फोन करता है कि बिल्डर का पद्धति है रात को 12 बजे फोन करने का. नहीं करा करेगा, जमा करेगा तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने वाला. हर काम अभी लिखा पड़ी होगा, वकील जैसा बोलेगा वकील के मार्फत काम होगा, अभी इसके कहने में काम कोई होगा. समझ गए? और बाकी जितने बोला मेरा ऑपरेशन कराया, अगर ये पैसा दिया है हमारा पूरा पैसा तो दिखा रहे, चेक दिखावे, कहे कभी बताओ पैसा कि हमको कहाँ से दिया पैसा. 10 लाख रुपया लगा है तो 1 लाख रुपया अच्छा 50,000 दे देगा, उससे ऑपरेशन हो जाता है क्या? रूम का बदला रूम मिलेगा, दुकान के बदले दुकान, मंदिर के मंदिर, क्या क्या लगता है? जैसी बात कही गई है वैसे ही किया जाएगा. वैसा किया जाएगा ना, मंदिर तो बाहर रोड पर ही रहेगा ना. पहले था, चलो जैसा जमीन था, पहले पानी था उसमें, अब उसको पार करके मंदिर बनाया, उसके बगल में पारते पारते झोपड़ा बन गया, इसलिए पूरा भर गया. पहले वहाँ पर कोई रूम नहीं था, खड्डा था, कभी सुखता नहीं था. और जो भी इसने बोला है टोटल गुमराह किया है. इसको तो मालूम ही नहीं है काम कौन करने वाला है. ये तो पहले ही ना बोल दिया था, 2006 में हमने इसी से किया था, लेकिन इसने अपने बेटे को दे दिया और बेटा गुमराह करते करते 2 साल से भग गया. ये जो बोर आया एक साल पहले आया, हमने बोला जब तक बिक्की सर से नहीं बात कराओगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. 1 साल हो गया बिक्की सर से बात नहीं कराई. हमने फिर सोचा चलो अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग का झोपड़ा कोई कुछ बिल्डिंग बनता नहीं है, इसलिए हम लोग सोचा दूसरा कोई बिल्डर रखें, इसलिए हमने मीटिंग रखा. हमारा मीटिंग नहीं होने दिया बीच में आके बेगैर बुलाए मेहमान, जैसे बेगैर मेहमान बुलाए मेहमान आके कुर्सी बैठ गए. बाकी
आई सर डॉक्टर भावना चावला, मैं भोपाल से आई हूँ, सेंस ऑफ कॉन्वेंट से, मैं एडुकेशनिस्ट हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। यहाँ आके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है यहाँ एडुकेशन को, और ये एक तरह का मिशन है जिसे हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रवि सर कर रहे हैं, जिसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेस का, टूर का, एजुकेशन मिल रहा है। एंड अलॉन्ग विद दिस इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म गिवन टू दी स्मॉल यंग जनरेशन हु इज़ द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री। सो थैंक यू सो मच रवि सर, IDYM, एंड थैंक यू। मैं नन्ना ज्ञान फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। मैं स्पेशल बच्चे और ऑटिज्म के ऊपर काम करती हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा सम्मान मिलना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खुद को प्रोत्साहन देने की बात है कि हम उन बच्चों के ऊपर भी काम कर पाते हैं, या वो चीज़ों को भी रिकग्नाइज कर पाते हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता या मंदबुद्धि समझ के छोड़ देता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई एम अ डॉक्टर बिजल दलाल एज अ DMRT कंसल्टेंट, ग्राफोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, जिससे एक चीज़ तो यह है कि डेफिनेटली इतने टाइम से करने पर हमें कहाँ इमोशनल क्वेश्चंट है, कहाँ इमोशंस पे बच्चों को समझाना है, कि बच्चों को डील करना है, कि बच्चों को मोटिवेट करना है, कि एज द कॉम्पिटिशन वर्ल्ड को कैसे कहाँ फेस करें, इससे बहुत हेल्प होती है और हम काफ़ी इसमें मोटिवेट करके बच्चों को आगे बढ़ा पाते हैं। थैंक यू। IDM, आई एम HOD ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम अग्रसर विद्या मंदिर। करते रहना है, ड्रीम इट टू डू इट, दिस इज माई मोटो फ्रॉम गिवन बाय। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे, जो आज अवार्ड शो का कार्यक्रम किया गया है, किस तरह से देखते हैं? दिस इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय IDYM फाउंडेशन फॉर ऑल द प्रिंसिपल्स, एंड दिस अवार्ड सेरेमनी इज़ रियली रिमार्केबल, मेकिंग एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल गेटिंग मोटिवेटेड एंड कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू देयर ओन सेल्फ, सो दैट दे कैन परफॉर्म वेरी वेल एंड बिकम अ सेल्फ रिलायंट